प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने राजनीति पर कई वक्तव्य करते हुए बीजेपी नेताओं पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या का राम मंदिर यह कोई बीजेपी पार्टी का त्यौहार नहीं है। देश के करोड़ों लोगों ने अपना समझकर राम मंदिर निर्माण के लिए योगदान दिया है, मगर बीजेपी इसे पार्टी का इवेंट के तौर पर प्रस्तुत कर रही है। कमलनाथ जी ने कभी गलत नहीं किया कि ये देश की जनता ने अपने श्रद्धा का अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, इस आस्था के आधार पर देश की जनता ने उसमें अपने मेहनत का पैसा उसमें लगाया, तो ये तो देश का उत्सव होना चाहिए। बीजेपी अगर ये पाप कर रही है, ये वो बीजेपी का ही राम मंदिर है, तो ये तो सबसे बड़ा पाप है। अगर भगवान के नाम से भी अगर राजनीति अगर बीजेपी कर रही है, तो बीजेपी सबसे बड़ा पाप कर रही है, यही हम कहेंगे। और मैं खुद हमने उसमें पैसे लिए हैं, वो हमारी आस्था का विषय है, हमारा दायित्व बनता है। मैं हिंदू धर्म का हूँ तो मेरा दायित्व बनता है भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, यह हमें भी लगता है। खुद राजीव जी ने वहाँ पे शिलान्यास किया था, आप सबको याद है। तो ये जो इशू है, बीजेपी जिस तरह से राजनीति कर रही है, ये हिंदू धर्म के लिए खतरा है। आप जिस तरह से कह रहे कि आपने पैसे दिया है, सबका मंदिर है, तो कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में जब होगा? तो देखो, जिस तरह से राजनीति आपने शुरुआत की है, आपने बताया कि इस तरह से बीजेपी वहां पे राजनीति कर रही है कि बीजेपी का ही सब कार्यक्रम है, इस तरह से जो माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है वो स्पष्ट है ना। हम जाएंगे ना, हमारा श्रद्धा का स्थल है, हम अयोध्या जाएंगे। मैं जाके भी आया अयोध्या, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरह से राजनीति कर रही है सत्ता में बैठी बीजेपी भगवान श्री राम जी के मंदिर के आधार पर, तो ये सबसे बड़ा हिंदू धर्म के लिए खतरा है। उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस नेता शामिल होंगे क्या? भाई उद्घाटन अलग है, उद्घाटन से राम जी मिलेंगे ऐसा नहीं ना, वो तो राम जी छोटे बन जाते और देश के प्रधानमंत्री बड़े बन जाते हैं। तो ऐसे जो कल कपट करने वाले, जो छल कपट करने वाले लोगों के साथ में दर्शन करने का कोई मतलब नहीं ना। राम जी से खुद ही भगवान श्री राम से हम जाके मिल सकते हैं, उसमें क्या तकलीफ है। लेकिन जिस तरह से राजनीति जो बनाई जा रही है वो ही हिंदू धर्म के लिए खतरा है। शिंदे फडणवीस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आप सरकार के मुखिया हो, अगर कोई मंत्री दो समाज में झगड़े लगाने का काम कर रहे हैं तो आपको उन्हें निकालना चाहिए। फूले शाहू विचारधारा को खत्म करना यह ठीक नहीं है। अपन पहले से मुख्यमंत्री आणि दोन DCM मराठा आरक्षणाच्या प्रेस कॉन्फरन्स घ्यायला आले, ते काय बोलले हे सूचक आहे। आपल्याला बोलायचं करायचं काहीच नाही, हे तसं मंत्र्यांचं आहे। अहो, तुम्ही तेढ निर्माण करणारे मंत्री तुमच्या मंत्रिमंडळात असतील तर काढत का नाही? तुम्ही काय हेडमास्टर झाला? राज्याच्या शाहूफुले आंबेडकर विचाराला संपुष्टात आणायचं, वाद निर्माण करायचा दोन समाजामध्ये आणि त्याच्यावर आपलं राजकारण करायचं, राजकारणाच्या पोळ्या शेकायच्या, हे समजा मंत्रिमंडळात चालत असेल तर मुख्यमंत्र्याला अधिकार आहेत ना मंत्रिमंडळून काढायचा? आणि या पद्धतीनं बोलायचंच, फक्त करायचं काहीच नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी तुमच्या पेजच्या समोर सांगितलेलं आहे। त्यामुळे या लोकांचं हे सगळे जे दाखवू नका आणि लोकांना छापूही नका। आम्ही परवा सांगत होतो की आता तर पहिले विकते आणि मग लिहिते अशी परिस्थिती झाली, आणि त्याच्यामुळे ही जी काही परिस्थिती आज राज्यात आहे भयावह आहे आणि चिंतेचा विषय महाराष्ट्रासारख्या राज्यासाठी या सरकारमुळे निर्माण झाला। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जाति धर्म पर बात कर राजनीति कर रहे हैं, मगर सदन में सवाल पूछने पर वह इस विषय पर बात नहीं करना चाहते। ऐसे में बिहार की तरह OBC जनगणना होनी चाहिए। मूल सब्जेक्ट वो नहीं होता ना, तुम OBC के प्रधानमंत्री हो, मैं पिछड़े जाति के हो, तो देश का प्रधानमंत्री कभी जात बताने का नहीं होता। देश का प्रधानमंत्री होता वो देश के हर जाति धर्म के लोगों का मुखिया होता है। लेकिन अपना ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे कि वो अपनी जात और धर्म बताकर देश में राजनीति कर रहे हैं, तो फिर वही सवाल राहुल गांधी जी ने पूछा, उनको पार्लियामेंट में पूछा कि आप OBC की जातीय जनगणना के बारे में बात करो, तो बात करने को तैयार नहीं हो, तो गरीब जाते हैं ऐसा बोल रहे हैं। तो इनकी नीयत में क्या है, असलियत क्या है, वो अब लोगों को पता चल गया है। तो इसलिए ये जुमलेबाजी जो बीजेपी की जो बार बार रही है, नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की रही है, वो अब देश की जनता को समझ चुके।
देश की जनता समझ चुकी है। महादेव यादव के बारे में जिस तरह से बवाल किया तो उसमें बीजेपी के लोग इन्वॉल्व है, पर दिखाने के जो स्टाइल था कि भूपेश बघेल ही महादेव यादव के मुखिया है, अब सामने तो सब आए, कुछ आरएसएस के भी लोग उसमें शामिल है, इस तरह की बात आई। तो भ्रष्टाचार के मास्टर माइंड अगर कौन है तो बीजेपी है, ये अब स्पष्ट हो चुका है। जितने भी इनकी सरकार आने के बाद देश में इतनी आप आए और यहाँ में जनता को लूटा है, ऐसे कई आप आए, अपने अभी बोरा आप आया था, अपने अभी अभी डायमंड एक्सचेंज का आया वो चीन वाला आप, तो उसमें तो लोगों ने आत्महत्या की है, तो इनके जमाने में क्यों आ रहे इस तरह के आप, कांग्रेस के जमाने में ऐसे कोई आप नहीं है। तो ये जनता को लूटने का काम जिस तरह से ये डिजिटल व्यवस्था के आधार पर किया जाता है, क्रिकेट के बुकियों को उनके जो जितने डॉन हैं उनको संभालने का काम कौन कर रहा है, तो बीजेपी कर रही है। तो इसलिए अब ये बात सब सामने है, ये तो 6-7 साल का ये आदमी है, कोई ये भूपेश बघेल के जमाने में पैदा नहीं हुआ है, ये बीजेपी के राज में पैदा हुआ है, और बीजेपी के राज में वो आज करोड़ों रुपया 200 करोड़ की शादी किया उसने भी अपनी दुबई में, तो उसमें कौन कौन गए थे उसके फोटो भी उन्हें जाहिर करना चाहिए शादी में, तो सब सामने आएगा। तो वो अब छत्तीसगढ़ में नहीं तो पूरे देश में ये महादेव यादव बीजेपी ने ही पैदा किया और उसको जनता को लूटने की व्यवस्था। देश में चल रही आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने का काम बीजेपी कर रही है, आरक्षण व्यवस्था में बदलाव करना यही एक उद्देश्य बीजेपी का है, ये बात भी इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कही है। वो प्रश्न आपल्याला लक्षात असेल की बीजेपीचं जातीनिहाय जनगणनेला विरोध आहे, देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी गरीब जात आहे हे सांगून एक देशाच्या आरक्षणाच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्याचा एक त्यांनी सूचकता दिलेली आहे की गरीब आणि श्रीमंत देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात गरिबी निर्माण भाजपने केलेलीच आहे आणि मुठभर लोकांना श्रीमंत केलेलं आहे, हे स्पष्ट झालेलं आहे। आरक्षण व्यवस्था भाजपला संपायची आहे आणि म्हणून आमचे नेते राहुल गांधीजी सातत्यानं सांगतात आहे, तुम्ही ओबीसीचे प्रधानमंत्री आहेत असं तुम्ही सांगतात आहे, परवा पण कालच त्यांनी भाषणामध्ये त्या ठिकाणी मध्य प्रदेशमध्ये सांगितलं की बहनो भाईओ आप मैं ओबीसी का था, आपने मुझे 2 टर्म बहुमत में आपका प्यार मिल रहा है, ओबीसीलाच संपवून टाकलं ना, ओबीसीचे असतेत तुम्ही तर हे जातीनिहाय जनगणनेचं पहिले पुढाकार आपण घेतला असतात, पण तुम्ही ते करणार नाही, कारण की भाजपचा जो खरा अजेंडा आहे तो गरीब आणि श्रीमंतांची जी व्यवस्था आहे जो काल सर्व पुन्हा आला त्याच्यामध्ये देशामध्ये गरिबांची प्रमाण वाढलेलं आहे, सरकार लपोते आकडे सगळे हे आपल्याला पाहायला मिळते आहे। आणि म्हणून आज जो नितीश कुमार साहेबांनी ज्या पद्धतीनं बिहारमध्ये जी जनगणना करून त्या लेवलवर पण त्या राज्याच्या जनगणनेला, कारण की आपण पाहिलं की हे राष्ट्रीय जनगणना व्हायला पाहिजे, राष्ट्रीय जनगणना केली जात नाही म्हणून नितीश कुमारजींनी आपल्या राज्यात केलं आणि त्या पद्धतीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला, पण त्याला ते मान्यता देणार नाही, ही तुम्हाला वस्तुस्थिती तुम्हाला मी सांगतो।